और हम पहुंच गए कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन के लिए और अभी जो है हम पुणे जंक्शन स्टेशन पे खड़े हैं और हमारी जो ट्रेन थी वो रात को 1:50 की थी जो LTT से चलती है और अभी ट्रेन जो है नहीं आई है। ट्रेन का ऐसे बता रहा है कि 50 मिनट लेट होगा और शायद 1 घंटा भी लेट हो सकता है। और हम जाएंगे जो है कोयम्बटूर एक्सप्रेस से जाएंगे और आगे कब ट्रेन मिलती है, ट्रेन की जर्नी कैसी होती है कोयम्बटूर एक्सप्रेस, सो पूरा हम आपको जो है बताएंगे कैसे मज़े से जाते हैं। और ये हमारे पीछे जो ट्रेन आ रही है ये पॉन्डिचेरी एक्सप्रेस है। हमारी ट्रेन जो है पहले 1 नंबर का आने वाली थी लेकिन अभी चेंज हो गया, सो वी आर गोइंग टू प्लेटफॉर्म नंबर 3। वो नहीं है, लिफ्ट वाला नहीं है सिस्टम यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी का नंबर 11013 और यहाँ पे S11 आएगा। मैं यहीं पे खड़ा हूँ अभी। ये कहाँ से, कौन से फॉर्म से लिया है? कहाँ पे? मेरे को देना आप लोगों का फॉर्म किधर है? सासवड़ करके जगह है पुणे में, 18 किलोमीटर। तो आप लोग रन करते बिजनेस? हाँ, लीज पे लिए रहेंगे ना आप लोग? अच्छा, ऐसा क्या? तो ये कितना, मतलब ये आप किसको डायरेक्टली कंपनी को सप्लाई करते हो या रिटेलर? मतलब एक्चुअली हम लोग ना ये पुणे मार्केट में बेचते हैं, मुंबई मार्केट में बेचते हैं और हम लोग बड़े वही रिटेलर सेक्टर से डायरेक्ट हो, डिमांड उमांड से, जैसे डिमांड में तो नहीं मिलता, बाकी जो दूसरे रिलायंस और जो है। एक वापस फीस मैं खाने जा रहा हूँ। गूगल पे सर्च करो, पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। मेरे को बायोग्राफी नहीं चाहिए, तुम देखो देख लेना बस हो गया। अरे साहब जी जो लाया उनको तो खाने दो। और साथ में भाई भी बोल दिया, बस हो गया, अभी खत्म। सामने वाले को डर नहीं, टेंशन नहीं। अरे बस ना, मुंह में जाते हैं, जाता हूं मुंह में खा लूंगा। हमें कैसा दिख रहा है? अरे बुरा है, फैल जाता है। लेना स्पाइडर वासुल जरा बताएगा ट्रेन कौन सा पकड़ा तूने? आज हम लोग ट्रेन पकड़े हैं कोयम्बटूर एक्सप्रेस। नहीं नहीं, जब भी कल रात में इसको रात में कोयम्बटूर एक्सप्रेस कल्याण का जो टाइमिंग है वो 11:35 है ना, और ये जो है कुशीनगर एक्सप्रेस से आ रहा था फ्रॉम गोरखपुर, हाँ, टू मुंबई LTT। और इसका ट्रेन का टाइमिंग और इसका ट्रेन का टाइमिंग हार्डली 25 मिनट्स का कुछ डिफरेंस है,
और जोगेशेंगो के 5-6 मिनट हो गया था। और लकीली क्या हुआ था, इसका ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंचता तो इसको ट्रेन छोड़ना पड़ता था। तो अजूबा हुआ था कि लाइक यूपी से ट्रेन हमें टाइम पे आ रही है। कुशीनगर एक्सप्रेस बहुत अच्छी ट्रेन है इसके लिए टाइम पे थोड़ी। मुझे 100% श्योर था कि ये कल्याण नहीं पहुँच पाएगा, तो मैंने इसको सजेशन भी दिया था कि भाई नासिक उधर जा, नासिक से बस पकड़ के तो पुणे आ जा, और फिर पुणे से ट्रेन रात में 2 बजे निकलती है, पहुंचती है, तो आराम से बैठ सकता था। लेकिन ये जो है ऐसा नहीं किया, रिस्क लिया। और वैसे तो मैं हमेशा देखो 90% ट्रेन तो लेट ही रहता है। एक बार सेंट्रल कानपुर से पकड़ना था, चेंज करना था ट्रेन, ट्रेन दो दो तीन घंटे था और टाइम भी था कि मैंने मैच कर लिया। वो ट्रेन एक्सपेक्टेड है ना लेट होगा, वो ट्रेन मेरे को लगा 4-5 घंटे बाद आएगी कंप्यूटर वाली लेट। हाँ, क्योंकि वो लेट ही चल रही थी ना कोयम्बटूर में। एकदम स्ट्रेस फ्री हो गया था कि मतलब अभी वो 12 घंटा रीशेड्यूल हो गया, अभी मालूम पड़ा टाइम से पहले ही स्टार्ट हो गया भाई, तब जाके थोड़ा प्रेशर आया। वाह 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 के वाह वाह के। इट्स अ वेरी गुड व्यू। आगरा और कर्नाटक के बॉर्डर के बीच में ये सनसेट का व्यू। अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम पहुंच गए हैं बैंगलोर रेलवे स्टेशन, मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे ट्रेन जो है ऑलमोस्ट 1 घंटा रुकती है, 1.25 घंटा। तो हम लोग ने बाहर से कुछ मंगाया है और देख सकते हो, जरा खोल के दिखाओ भाई। ये जो है चिकन और प्लस अंडा बिरयानी है, एंड दिस इज और ये भाई बहुत ज्यादा भूखे थे इसके लिए इन्होंने जो स्टार्ट कर दिया। जो है हमने ऑर्डर किया था अंडा बिरयानी, अंडा वेरी चिकन बिरयानी, चिकन अंडा बिरयानी, मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। बहुत टेस्टी है बहुत। अभी का जो टाइम हो रहा है वो 5:40 हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि हमारी गाड़ी जो है टाइम पे पहुंच जाए। और ये है रेड ब्रिज, यहाँ इसके नेक्स्ट स्टॉप जो है वो कोयम्बटूर है, देखते हैं। त्रिपुरा पहुंच चुकी है जो कोयम्बटूर के एक स्टेशन से पहले है। तो हमारी जो ट्रेन का टाइमिंग है वो सुबह के 6:50 को है कोयम्बटूर, तो आई थिंक टाइम पे पहुंच जाएगी ट्रेन क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रह गया। और ये त्रिपुरा स्टेशन है, काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग कोयम्बटूर पहुंच गए और ये भाई साहब मिले, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, ज्यादा मजा आया मिलके। ज्यादा मिनट में हम लोग 10-15 मिनट ही बात किए, लेकिन काफी अच्छा था। नाउ वी रीच इट कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन और हम जो है ट्रेन के बाहर जा रहे हैं। एंड वी आर एट कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन एंड ये कुछ लोग हैं जो ट्रेन में मिल गए थे, काफ़ी अच्छे लोग हैं, वेरी स्वीट पीपल्स। एंड ही इज़ मासू माई फ्रेंड एंड ही इज़ ऑन द कॉल बिकॉज वी आर गोइंग टू ओटी फ्रॉम कोयम्बटूर। और यहाँ से दो ऑप्शन है, एक तो बस है और एक टॉय ट्रेन है। और
अभी देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमको मिलता है। टॉय ट्रेन का थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बस से हम लोग जाएंगे और फिर आगे आपको दिखाएंगे। और एक यहाँ पे लेडी बैठे, ये हंस रहे, बहुत अच्छे हंस रहे, वापस स्माइल दो, देखो हंस रहे। ये भी ट्रेन में हमको मिले, काफ़ी अच्छे फ्रेंड मिल गए ट्रेन में। और एक हमारे जो है सिविल सर्विस वाले भाई, यस ये विशाल भाई है, ये भी पुणे से मिले हमको, काफ़ी अच्छे है, मतलब काफ़ी अच्छे लगे। और ये सबसे बेकार इंसान जिसका नाम है माशु। हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी मुंबई से स्टार्ट हुई थी एंड फ्रॉम टू कोयम्बटूर, और वी स्टार्टेड ऑन 11th of August, रात को 11 बजे की ट्रेन थी 11 अगस्त को। और आज जो है 13 तारीख है, मॉर्निंग के 7:30 को हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग जो है यहाँ पे कोयम्बटूर में सबसे एक, यहाँ पे आपको ब्रिज नहीं मिलेगा, सब अंडरग्राउंड जो है क्रॉस करने का है। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ओटी, और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो मुंबई से ओटी तो आपको बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। हम जो ट्रैवल कर रहे थे 1103 वाले कोयम्बटूर एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे थे। सो फाइनली वी आर रीच एट कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन। चलो कम बोलो नीचे, सर बोलो नीचे ही है।